हाय, कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube और Telegram पे ये पोस्ट डाला था, जहां मैंने ये पूछना चाहा था कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड हुए और आप क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने जवाब कुछ ऐसा ही दिया है। हम उनकी भी मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं हुए। टिप्स आपको हेल्प कर सकती है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने में फ्रॉम प्री बोर्ड टू बोर्ड। क्या है वो टिप्स, इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करेंगे। टिप नंबर वन, सबसे पहले सैंपल पेपर प्रैक्टिस। मान लो यार तू क्रिकेटर हो, आपने नेट प्रैक्टिस करी, बट फाइनल मैच से पहले अगर आपको एक वार्म मैच मिल जाता है खेलने के लिए, तो आपको एक वो एनवायरनमेंट मिल जाता है क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, अब मैं उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उसी तरीके से सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने से आपको वो एग्जामिनेशन का माहौल मिल जाता है। जब उस 2-3 घंटे की लिमिट में जब आप पेपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एक्चुअल पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दो, अभी भी इनफ टाइम है, ये गलती मत करो। टिप नंबर 2, इजी क्वेश्चन नहीं करते। मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चैप्टर की बात करें, रिवाइज करते वक्त फाइनल रिविजन के टाइम वो क्या करते हैं, वो उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिकॉल करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें ऑलरेडी आता है। या जो क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आता है वो तो तुम्हें आ गया, उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फाइनल रिविजन के टाइम में एनसीईआरटी या किसी भी बुक या कोई भी चैप्टर से उन क्वेश्चन को खासकर रिवाइज करो जिस क्वेश्चन में आप फंसे, जो क्वेश्चन आपके टीचर्स ने बताया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए। इजी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और टिप्स दे रहा हूँ आपको, मैथ्स की प्रैक्टिस करते वक्त जरूरत नहीं है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, लिमिटेड टाइम में यार सारी चीजें रिकॉल करनी है। क्या करना जरूरी होता है, सिर्फ देखो कि क्वेश्चन के मैथड आपको आते हैं या नहीं। और तीसरा और फाइनल टिप, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि आने वाले टाइम में बोर्ड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।